मैं जा रहा हूँ बघीरा की डेन में, क्योंकि ये वो एरिया है। ये आया मोटू। हाँ जी, चिल कर। देखें, देखो देखो ऐसे टेडी बेयर कहीं का। मैं यहाँ पे आया हूँ कि जो हमारा क्लिनिक है ना, इसकी छत उखाड़नी है। ये हो गई है छत पुरानी, हमने लगाई थी बांसों के साथ, अब यहाँ पे नया स्ट्रक्चर बनना है। पीपल फार्म प्रोडक्ट्स यहाँ पे मूव हो रहा है। तो बघीरा जी तो यहाँ पे किसी को आने नहीं देते, हैप्पी नहीं रहता है इतना यहाँ पे कोई आ जाए तो। उस दिन किसी को इसने हल्की सी लव बाइट दे दी थी, वो बिना मेरे ऐसे अंदर घुसा है, तो भाई ये घर आ गया कि कौन आ रहा है। अभी देखो गार्ड डॉग बना जा रहा है पूरा। लोग इसको इसीलिए अडॉप्ट करना आते हैं, अभी हमारे घर रहेगा, हमारे घर की रक्षा करेगा। इंसान की आदत है हर चीज को ना ऑब्जेक्ट में, यूटिलिटी के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। ए मोटू क्या कर रहा, इधर आ गई जी टीम छत उखाड़ने वाली, साहब को लेके जाएंगे। रुको 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 टेडी बियर, चलो बघीरा। अब इसने थोड़ा बहुत कुत्तों से लड़ना शुरू कर दिया, अब मैं इसको घुमाता हूँ, फिर इसको पूरा दिन भोला या किसी के साथ एडजस्ट कराना पड़ेगा। पुरानी चीज़ें कोई भी हो ना, छोड़नी थोड़ी मुश्किल होती हैं, चाहे विचारधारा भी हो तो एक अटैचमेंट सी रहती है उससे, पर वही मुझे लगता है प्रोग्रेस का फिर दुश्मन हो जाता है। गड्डा बड्डा हो गया। हाँ, खाना अच्छा खिलाते हैं इसको, देसी खाना, हिमाचल की देसी हवा पानी। डर लगता है। हल्का सा ही तो करना है अपने। देखो देखो, नहीं कहाँ काट रहा है, कहाँ काट रहा है। हेलो, चलो एक शुरुआत तो हुई ना। अब कम से कम आपके जो बाकी छोटे कुत्ते हैं उनसे तो नहीं लगेगा डर। थैंक यू भैया। अरे कम ऑन, जब पी करने लगता है ना, ये दो दो तीन तीन मिनट तक पी करता है। बघीरा को ना मीडिया ऑफिस लेके आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे तो काम चल रहा है। और अब हम इसके साथ एक छोटा सा ब्लॉग शूट करेंगे कि डॉग को मजल कैसे बनाए। तुम पहना रहे हो, मैं शूट कर रहा हूँ, करेक्ट? ये डिसाइड नहीं होता हमारा। तो मेरे हाथ में कैमरा, तो मजल तो तुम्हारे हाथ में ही होगा ना यार। क्या पहनना पकड़ूंगा, आप मजल बनाओ। गलत बात है, ट्राई कर सकता हूँ मैं, लेकिन लेकिन क्या, अभी तो स्टोरी बना रहा था बघीरा का नाम क्लियर करने की। ठीक है चलो जी, बाहर पहले देख ले ट्रैफिक तो नहीं है। हम जा रहे हैं उस साइड मेरे कमरे के बाहर। चल आ रहा बघीरा, चल 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 चल। अच्छा ये हमारे पास मजल है, पहले देख ले, सूंघ ले, कुछ नहीं है, बढ़िया चीज है। हाथ में लपेट लो। आप अपने डॉग को अगर मजल नहीं पहना पाओगे तो कल को कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें उसको तकलीफ हो सकती है थोड़ी, तो डॉक्टर को काट सकता है। तो आप मजल पहनाओगे तो डॉक्टर इलाज करेगा। मेरे चप्पल पे ड्रूल कर दिया इसने सारा, बाकी का तुम इसको ट्रीट दो ताकि तुम्हारा डर निकले। ये देखो कुणाल जी की हालत। भाई मैं दे रहा हूँ खाली, वो तुम्हारा हाथ खाएगा। ये देखना, ये पूरा वीडियो शूट कराया, इसको डर लग रहा है। उस टाइम पे अच्छा लग रहा था, फिर इसके बारे में ना थोड़ा मैंने दो तीन चीजें सुनी। वाह, बस तो तुमने मेरे बारे में भी कितना कुछ सुना होगा, तो पीपल फार्म में अच्छा ही सुना। क्या बात कर रहे हो, सुनो सो इधर आओ, ये मजल है, मजल के अंदर ट्रीट मिलती है। ये चालाक बड़ा, ये हमारे पास बिगेस्ट मजल यही है, अब इसी से ही काम चलेगा। ये ले इधर से देखना, उसके अंदर नहीं डालेगा नाक। खेल कुणाल कट, हम दोबारा से शुरू करेंगे। देखो दोस्त बघीर, ये तो गया डब्बा उधर, ठीक है। सुनो स्नॉटी, ये ट्रीट है, ये मिलेगी यहाँ पे, अब ये यहाँ पे मिलेगी, अब अगली यहाँ पे है। हो रहा है सी स्मॉल स्टेप्स, ये लो। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये मजल से एटलीस्ट फेमिलियर हो गया है, और हम इसको बाद में पहनाएंगे थोड़ी बड़ी मजल मंगा के। अब ये जैसे बैठा ना, देखो ये प्ले मोड में आ गया है, एंड इस तरह रॉबिन ने अपने राइट हाथ की दो उंगलियां खोई। मेरा बच्चा मतलब छोटू है, पर हमने एटलीस्ट मजल से अच्छी एसोसिएशन कर दी है कि जब मजल होता है तो हमें ट्रीट्स मिलती हैं। आहा, ओके सक्सेस थोड़ी सी तो। चलो अब हम कुणाल को खाएंगे।